गुड मॉर्निंग बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने एक कविता पढ़ी थी और उसके कठिन शब्दार्थ आपको बताए थे। तो आज हम उसके अगले वीडियो में इस कविता को पढ़ाने वाले हैं। तो सभी ने ध्यान देकर सुनना है। पहले मैं एक एक तांजे का अर्थ बताता हूँ पढ़कर। जो चिड़िया चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अभी इसका अर्थ है, नीले पंख वाली चिड़िया कहती है कि वह दूध से युक्त अर्थात अदप के झुंडी के दाने मन से और स्वर से लेकर खाती है, स्वाद लेकर खाती है। वह संतोषी है। कैसी है वो? वह संतोषी है। थोड़े से दाने उसके लिए ही पर्याप्त है, थोड़े से ही दाने उसके लिए पर्याप्त है। उस चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं। उस चिड़िया के जो पंख है वो उसका रंग कैसा है? नीला है। जिसे अनाज से बहुत प्यार है। प्रस्तुत पंक्तियों में हमें अन्न से प्रेम और अन्न का आदर करने की सीख देती है, क्योंकि हमें अन्न हमें जीवन का और अन्न हमें जीवन और ताकत प्रदान करता है। इसलिए इस कवि में यह कविता वह चिड़िया जो उसे क्या क्या करता है ये बताया है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अभी इस पंक्तियों का अर्थ देखिए। नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि तेज और मधुर स्वर में गाने वाली चिड़िया मैं ही हूँ। क्या कहती है वो? कि तेज और मधुर स्वर में गाने वाली चिड़िया कौन हूँ? मैं ही हूँ। मैं सभी की चिर परिचित अर्थात जानी पहचानी हूँ। मैं सभी को जानती हूँ, पहचानती हूँ, ऐसा चिड़िया कहती है। मेरे सभी गीत बूढ़े वन बाबा को समर्पित है। चिड़िया कहती है कि मेरे जो भी गीत है वो किसको समर्पित है? बूढ़े वन बाबा को समर्पित है। मैं एकांत से बहुत प्यार करती हूँ। मानव स्वभाव रूपी यह चिड़िया प्रकृति से प्रेम करने तथा एकांत में भी प्रसन्न रहने का संदेश देती है। इस पंक्तियों का यह अर्थ है। अभी आप सभी ने आगे का पेज निकालना है और ध्यान से देखना है। सभी ने वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दीरा टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्भिणी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो इस पंक्तियों का अर्थ है कि इस पंक्तियों के माध्यम से चिड़िया क्या कहती है, देखिए। नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि मैं वही छोटी चिड़िया हूँ जो उफनती नदी से भी पानी की बूंद रूपी मोतियों अपने चोंच में लेकर उड़ जाती हूँ। मुझे अपने इन साहस पर गर्व है। चिड़िया कहती है मुझे अपने इन साहस पर क्या है? गर्व है, अभिमान है। मुझे नदी से बहुत प्यार है। इतना ही नहीं तो चिड़िया बार बार कहती कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत न हारने की प्रेरणा देती है। यह नदी से प्रेम करने का संदेश देती है, क्योंकि नदियां सभ्यता के विकास में प्राचीन काल से ही हमारी सहायक रही है। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि केदारनाथ अग्रवाल ने हमारे चिड़िया की जो कहानी है वो बताने का प्रयास किया है। अभी यह हमारी कविता पूरी पढ़कर हुई है। अभी आपको समझ में आया होगा कि कवि ने इस वह चिड़िया जो कविता के माध्यम से आपको क्या संदेश दिया है।
तो आप सभी को समझ आया है। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इस कविता के जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर है, वो मैं बताने वाला हूँ। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।